माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में बड़ी सर्जरी की गई है। नए कुलपति के आते ही बड़ी सर्जरी शुरू हुई और संघ से जुड़े सभी कर्मचारियों को लूप लाइन भेजा गया है। नोएडा के डायरेक्टर को भी बदला गया और डॉक्टर वीर सिंह निगम को प्रभारी डायरेक्टर बनाया गया है। 2003 के बाद हुई सभी नियुक्तों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 दिन के भीतर पेश करनी होगी रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नोएडा के डायरेक्टर को भी बदला गया है। डॉक्टर वीर सिंह निगम को प्रभारी डायरेक्टर बनाया गया है। 2003 के बाद हुई सभी नियुक्तियों की जांच के भी आदेश जारी किए गए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में बड़ी सर्जरी की गई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2003 के बाद हुई सभी नियुक्तियों के जांच के भी आदेश दिए गए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में बड़ी सर्जरी, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में बड़ी सर्जरी की गई है और नोएडा के डायरेक्टर को भी बदला गया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अंकित खरी, ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए। अंकित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में बड़ी सर्जरी की गई, बताया जा रहा है कि नए कुलपति के आते ही ये सर्जरी शुरू हुई, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? खासतौर पर जब भी कोई कुलपति चेंज होता है या सत्ता चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता है और जो कुलपति आते हैं वो अपने हिसाब से पूरी यूनिवर्सिटी को सजाते हैं। उसी क्रम में अब ये जो स्थानांतरण और जो ट्रांसफर और जो बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है, वो इसी स्थिति में हो रही है, क्योंकि 15 साल तक तकरीबन जो बीजेपी का कार्यकाल था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के करीबी लोग कुलपति रहे और संघ से जुड़े हुए लोगों को फायदा मिला। अब कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस के कुलपति हैं, कांग्रेस की तरफ से पूरी सरकार चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अपने हिसाब से तमाम अध्यापकों को, एचओडी को और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको रखना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि वो अपने हिसाब से पूरा जो है यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी वो चलाए, क्योंकि कोई भी सरकार आती है वो अपने ही हिसाब से यूनिवर्सिटी चलाती है। हाँ अंकित जी, आपसे जानना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि 2003 के बाद में जो नियुक्तियां हुई उनकी जांच के भी आदेश दिए गए, तो क्या लगता है कि जिन लोगों की नियुक्तियां हुई होंगी उन पर किसी प्रकार की गाज गिरने की आशंका क्या अब तक जताई गई है? जी, साफ तौर पर नियुक्तियों की जांच के आदेश पहले कमलनाथ सरकार दे चुकी है और उसमें टीम भी गठित की गई थी जो लगातार इस पूरी जांच को डे बाई डे प्रोसेस में ला रही है। लगातार जो सबूत है वो एकत्र किए जा रहे हैं और ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जिन लोगों को हटाया गया है वो इसमें लिप्त हो या ना हो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो कुलपति का फैसला है वो सर्वमान्य माना जाएगा यूनिवर्सिटी में और उनको तत्काल प्रभाव से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे थे। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।